गोपेश्वर में चल रहे दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। महिला वर्ग का खिताब गोपेश्वर महाविद्यालय ने जीता। वॉलीबॉल बालिका वर्ग में कोटद्वार महाविद्यालय को हराकर खिताब अपने नाम किया गया। वहीं पुरुष वर्ग में डोईवाला और ऋषिकेश के बीच खिताबी मुकाबला खेला गया, जिसमें ऋषिकेश की टीम ने डोईवाला की टीम को हराकर फाइनल का खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची डीएसपी नताशा सिंह। विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारे गोपेश्वर में खेल को लेके बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जो बच्चों को हम आगे बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बच्चे अपने फ्यूचर में और करियर में आगे परस्यू कर सकते हैं। आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ आई हूँ और मैंने देखा कि बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है और उनके द्वारा बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई गई है। महाविद्यालय को बालिका वर्ग एवं बालक वर्ग में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व दिया गया था, जिसमें कि 16 टीमों ने भाग किया। 11 टीमें पुरुष वर्ग की थी और 5 बालिका वर्ग की टीमें थी। बालिका वर्ग में गोपेश्वर महाविद्यालय विजेता रहा और बालक वर्ग में ऋषिकेश महाविद्यालय परिषद विजेता रही। मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे वॉलीबॉल के मैच हो रहे हैं और जो उनके लिए ट्रायल हो रहा है, जिसमें 5 टीमें गर्ल्स में आई हैं, 11 टीमें बॉयज़ में आई हैं। तो इसमें क्या है कि चमोली, कोटद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी ऐसी जगहों से टीम आई है। तो इसमें फाइनल में कोटद्वार और चमोली का मुकाबला था, जिसमें कि 2-0 से चमोली की जीत हुई और कोटद्वार को हार का मुकाबला करना पड़ा। और इसके लिए आगे के लिए हमारा सिलेक्शन होगा नॉर्थ जोन के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये लोग हमें नॉर्थ जोन के लिए आगे के लिए खिलाएं और हम अपना नेशनल में भी अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें।